इस वीडियो में हम देखेंगे कि बकरी पालन शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कीजिए, अदरवाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक यूज करके भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको मेरे साथ बात करनी है तो आपको कंसल्टेशन फीस पहले पेड करनी पड़ती है, उसके बाद मैं आपको टाइम अलॉट करता हूँ, उसी टाइम में हम बात कर सकते हैं। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है वही वो कंसल्टेशन फीस के बारे में सोचिए, अदरवाइज मैं मेरा जितना भी नॉलेज है अपने वीडियोस थ्रू देने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आपके सारे डाउट्स उन वीडियोस में मैंने ऑलमोस्ट क्लियर किए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है और आप कंसल्टेशन लेना नहीं चाहते लेकिन फिर भी मुझसे पूछना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डाउट कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर आपको आंसर दे दूंगा। चलिए दोस्तों अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो बकरी पालन शुरू करने से पहले जनरली हम क्या करते हैं और हमारी गलतियां क्या होती है जिसकी वजह से हमारा बकरी पालन जो है जल्दी से जल्दी प्रॉफिट में नहीं आ पाता, इसके बारे में एक वीडियो है। तो सबसे पहले जब भी हम नया बकरी पालन शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि भाई हमें पैसा कितना मिलेगा। कोई भी हो, चाहे वो 10 बकरियों के बारे में सोचता हो, 20 बकरियों से शुरू करने के बारे में सोचता हो, या 100 बकरियों के बारे में शुरू करने से पहले सोचता हो, पहले वो पेपर कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई अगर मैं 10 बकरियों को से शुरू करूंगा तो मुझे एक 6 महीने में, 1 साल में इतने इतने बच्चे होंगे, बाद में मैं उनको इतने इतने इसमें बेचूंगा और मुझे इतना इतना पैसा मिलेगा। इस हिसाब से सबसे पहले बकरी पालन शुरू करने से पहले हमारी सबसे पहली सोच ये होती है। उसके बाद क्या होता है कि चलो एक बार अपना कैलकुलेशन प्रॉफिट वो पूरा कैलकुलेट कर लिया, अभी चलो हम बाद में लोग क्या करते हैं कि जितने भी बकरी पालन के शेड्स ऑलरेडी बने हुए हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनको विजिट करना शुरू कर देते हैं कि भाई मैंने बकरी पालन मुझे भी शुरू करना है तो इसलिए मैं आपके शेड पे द शेड देखने के लिए आना चाहता हूँ। वहां पे सपोज कुछ फीस हो जाती है, फीस वो पेड कर देते हैं और इस तरह से कम 5-6 बकरी पालन को जहाँ पे बकरी पालन चल रहा है वहां पे जाके उनके शेड्स को विजिट करते हैं। यहाँ पे ये भी ठीक है, चलो आपने शेड की विजिट भी कर ली, लेकिन विजिट करने के बाद वहां पे क्या पूछते हैं लोग, यानी क्या होता है कि मेरा भी खुद का गोट फार्म है, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं मुझे जो कॉमन क्वेश्चन लोगों ने पूछे है वो है कि सर आपको मुनाफा कितना हुआ, ठीक है ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको प्रॉफिट, ये जो बिजनेस है ये सच में प्रॉफिटेबल है क्या, चलो वो भी ठीक है। उसके बाद कितनी बकरियों से आपने शुरू किया था और कितने दिन हुए शुरू करके, अभी ये जो सारे सवाल जो बकरी पालन को विजिट करने के बाद लोग पूछ रहे हैं ये सारे के सारे इनको कुछ भी मतलब नहीं है। पहला सवाल कि आपको मुनाफा कितना हुआ, सपोज मुझे मेरी 100 बकरियां है और मुझे 40 लाख मुनाफा हुआ है, इससे आपका कुछ लेना देना है क्या, आपको इससे कुछ फायदा होगा क्या, इसका कुछ भी फायदा नहीं है। ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है क्या, अगर प्रॉफिटेबल है क्या, यहाँ से अगर आप सोच रहे हो तो ये बिजनेस करना ही क्यों है। कोई भी बिजनेस हो वो प्रॉफिटेबल होता है वो आप किस तरह से करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए दूसरों को ये मत पूछे कि सर आपका कितना बिजनेस है और आप उसमें से कितना कमा रहे हैं, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको उसमें से कितना मुनाफा होगा ये आप वो बिजनेस किस तरह से कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद कितने बकरियों से शुरू किया था, अभी देखिए ये सवाल भी कुछ इसको भी कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि अपनी कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी कितनी है उसकी गोट से आप शुरू कीजिए, दूसरे उन्हें कितने गोट से शुरू किया था ताकि आप उसको उस आंसर को डिपेंड करके उस आंसर के बारे में सोच के आप फिर कितने गोट से शुरू करेंगे ये सोचोगे तो ये इसमें भी आपका कुछ बकरी पालन जो है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा इसमें भी कंफ्यूजन रहेगा। और कितने दिन हुए शुरू करके उससे भी आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको जो सवाल उस बकरी पालन के शेड पे विजिट करने के बाद पूछने चाहिए वो आप पूछिए, बाकी के फालतू सवाल आप ले जाके पूछते हो और जो मेन इंपॉर्टेंट पूछना है उसके बारे में आप कुछ भी नहीं करते हो। उसके बाद तो फिर मैं बकरी पालन अगर शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए ये अभी मैं बोलता हूँ आपको। जब भी आप, अगर आप में से कोई भी लोग ये सोच रहे हैं कि अभी मुझे 4-5 दिन में या 1 महीने में या 6 महीने में बकरी पालन शुरू करना है, तो अगर आपको बकरी पालन शुरू करना है तो उसके लिए आपने क्या करना चाहिए ये और कौन सी चीजों के बारे में सोचना चाहिए ये एक लिस्ट है। जब भी आप किसी शहर पे विजिट करें या बकरी पालन शुरू करने का सोचे तो ये जो पॉइंट्स है इनके बारे में पहले एक अच्छे से सोच लीजिए और उसके बाद ही आप बकरी पालन के बारे में सोचिए।
ना कि आप, मैंने जो पहली चीजें बोले वो कभी मत कीजिए, किसी भी शेड को विजिट करने की जरूरत नहीं है अगर आपको बकरी पालन करना है तो, वो फालतू में वेस्ट ऑफ मनी है। आप वहां पे जाओगे साथ में किसी और दो एक दो आदमियों को लेके जाओगे, वहां का भी टिकट पे करोगे, बाद में आपको जो आने जाने का खर्चा है वो भी करना पड़ेगा, उसमें तो एक दो बकरी आपकी आ जाएंगी आपके शेड में। तो इसलिए वो जो खर्चा है वो बिल्कुल मत कीजिए। सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचिए जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज आती है कि शेड कैसा बांधना चाहिए। जब भी आपको बकरी पालन शुरू करना है तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि हमारा एरिया कौन सा है, वहां पे बारिश कितनी होती है, वहां पे गर्मियों में धूप कितनी होती है, वहां पे ठंड के मौसम में ठंडी कितनी होती है, ये बारे में सोचिए और इस हिसाब से आप शेड कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए इसके बारे में सोचिए, ना कि कितना बड़ा शेड होना चाहिए क्या करना चाहिए, ऐसे में आप सोचिए। अपना जो एटमोस्फियर है उस हिसाब से हमारी बकरियों को, जो बकरियां हम उसमें रखने वाले हैं उनको कौन सा शेड कंफर्टेबल रहेगा, ये चीज के बारे में पहले सोचिए और उसके बाद शेड कैसा करना चाहिए उसके बारे में सोचिए। उसके बाद में दूसरा सवाल जो आता है कि कितनी जगह लगेगी, कि भाई अगर मुझे, मेरा बजट अगर सपोज 10 बकरियों का है, मेरा बजट अगर 2 बकरियों का है तो उनके लिए कितनी जगह मुझे लगेगी और मुझे कितने जगह में काम करना चाहिए और कितनी जगह में शेड खड़ा करना चाहिए, कितनी जगह में जो बकरियां मैं लाने वाला हूँ उनके लिए खाने का प्रोडक्शन करना चाहिए, इसके बारे में सोचिए। उसके बाद ये सोचिए कि भाई अगर मुझे अगर सपोज महाराष्ट्र में बकरी पालन करना है तो मुझे कौन सी बकरी चुननी चाहिए बकरी पालन के लिए, तो ये जो है ये सारी चीजें आपको सोचनी चाहिए। उसके बाद अगर आप ये तीनों चीजों के बारे में कंफर्म हो जाते हो तो उसके बाद में आप ये सोचिए कि उन बकरियों को वैक्सीनेशन कौन सा जरूरी है, वैक्सीनेशन किस प्रकार से उन बकरियों को करना चाहिए। उसके बाद आप ये सोचिए कि उन्हीं बकरियों को कौन सी सीजन में कौन सी मेडिसिन लगती है ताकि वो बकरी अगर बीमार हो जाए तो हमें उस बीमार गिरने के बाद जो मेडिसिन चाहिए वो हमारे पास पहले ही होनी चाहिए, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन जरूरी है और कौन से मेडिसिन का कितने मात्रा में यूज करना चाहिए इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आने वाली प्रॉब्लम्स कौन सी, जब आप बकरी पालन शुरू करते हो, बकरी पालन ही एज ए बिजनेस आप नहीं बल्कि कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करते हो तो उन बिजनेस में शुरू करने के बाद शुरुआत में एक दो साल आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आने वाली प्रॉब्लम्स कौन सी है और उसकी वो जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए कौन सी तैयारियां हमें पहले से ही करनी चाहिए। उसके बाद में आता है कि कौन से रिकॉर्ड बुक्स आपको मेंटेन करने चाहिए और उसके बाद आता है कि बकरी पालन में मुनाफा कैसे निकालना चाहिए। अभी शेड कैसे बांधना चाहिए इसके लिए भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, कितनी जगह बकरी पालन की लगेगी उसके लिए भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, कौन सी बकरी चुननी चाहिए इसके लिए भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, वैक्सीनेशन का और मेडिसिन का भी मेरा सेपरेट वीडियो है और हम सेपरेटली एक मेडिकल कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं एक साल के लिए, ताकि वो भी 24/7 जिसमें आपको सारे मेडिसिन, यानी जब आपकी बकरी बीमार होगी तब आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। उसका फीस जो है एक साल का 500 रुपए है, सिर्फ 500 रुपए एक साल के लिए। और जो रिकॉर्ड बुक्स है, जो जरूरी रिकॉर्ड बुक्स जो बकरी पालन में मेंटेन करनी चाहिए उसके बारे में मेरा एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख लीजिए। और बकरी पालन में मुनाफा कैसा निकाले, बकरी पालन में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना चाहिए इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो है, ये सारे वीडियोस आप देख लीजिए, आपको ये सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन सारी चीजों के लिए भी आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको एक, अगर आपको बकरी पालन शुरू करना है तो एक करेक्ट गाइड, करेक्ट कंसल्टेंट आपको चाहिए जो आपको 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करे। आज मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो आपको 24/7 पेड कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं और वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसमें अगर आप पहले कंसल्टेंसी ले लोगे तो वो जो कंसल्टेंट है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपको पूरा गाइडेंस करेगा और उसके उस वजह से आपको जो है नुकसान जो है वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप विदाउट कंसल्टेंसी अगर शुरू करते हो सिर्फ आपके नॉलेज के बेसिस पे तो भी अच्छा है, लेकिन आपको पहले उस फील्ड में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप नए हो इस बकरी पालन के फील्ड में तो आप पहले कंसल्टेशन ले लीजिए और उसके बाद ही बकरी पालन शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन की साइड में ही एक बेल का आइकॉन है उसे क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। और अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर की हुई है, आप उस लिंक का यूज करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।